इंदौर की भवरकुआ थाना पुलिस ने दीपक ढाबे के पास ट्रक ड्राइवर को पिस्टल दिखाकर लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बदमाशों से एक पिस्टल बरामद की है। मामला भवरकुआ थाना क्षेत्र के दीपमाला ढाबा के पास का है, जहां हरदीप सिंह नामक ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक में बैठा हुआ था, तभी दो बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे और हरदीप को पिस्टल अड़ाकर लूटने का प्रयास किया। दोनों बदमाशों को ट्रक के कैबिन में आते हरदीप ने सूझबूझ से काम लिया और दोनों बदमाशों को धर दबोचा। चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए, तभी पुलिस को सूचना दी गई। वो ये ड्राइवर साइड से चढ़ा है, कनेक्टर साइड से चढ़ा, एक ने रिवॉल्वर निकाल लिया, मैंने उसका बंद के पीछे करके उसको दबोच लिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। पकड़े गए आरोपियों से एक पिस्टल भी बरामद की गई है। थाने लाकर पूछताछ करने पर आरोपियों ने अब्दुल अमान और मोहम्मद तोहिद रहमानी निवासी चंदन नगर रहना बताया। पकड़े गए आरोपियों पर पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज है। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपियों से वारदातों के मामलों में पूछताछ कर रही है। जल्द ही और भी कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरमार न्यूज़, इंदौर।